1, 2, 3। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपको फिर से हमारे नए वीडियो पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग 5 सेकंड में बनाएंगे एक भोपू। तो गाइस, हम लोग पपीते का यूज करेंगे इसके लिए। ये आप देख सकते हो पीछे में मेरे पास पपीता है, तो इस पपीते से हम लोग भोपू बनाने वाले हैं 5 सेकंड में। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के हम चलते हैं। तो चलो गाइस, हम सबसे पहले पपीता का जो ये पत्ता होता है उसको तोड़ते हैं। ओके, तो इसके लिए हमको, अरे यार काफी ऊंचाई पे है, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक, तो गाइस हमको इस तरीके से इसको काट लेना है। तो चलो हम अब यहाँ से निकलते हैं और मैं एक पीस काट ले रहा हूँ। ओके, तो ये वाला काटते हैं। चलो गाइस, आप देख सकते हो ये पत्ता हमने यहाँ से तोड़ लिया है। तो गाइस, आप देख सकते हो ये जो पत्ता है इसको आप काट सकते हो और ये जो है ना इसको रख भी सकते हो। ओके, तो मैं काट देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये इसका जो पत्ता था इसको हमने साफ कर लिया सामने से, और कुछ इस तरीके से अब ये पत्ते का जो हिस्सा बचा हुआ है वो हमको देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, मैं एक पीस को यहाँ पर रख देता हूँ नीचे में और एक को बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक, वैसे आप देख सकते हो ये जो तना है, अब हमको इसमें सिंपली यहाँ पर ब्लेड से या फिर ये जो कटर है इससे एक मार्क करना है। ओके, जिस तरीके से मैं मार्क कर रहा हूँ। आप देख सकते हो गाइस, हमने इतने दूर पे यहाँ पर लगभग इतने दूर पे इस पे मार्क कर दिया है इस कटर से। अब हमको इस तरफ से इसको फूकना है, इस तरफ से गाइस अब हमको इसको फूकना है और हम देखेंगे कि ये किस तरीके से बचता है। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ पे अभी पपीता का पत्ता है जिसको हमने यहाँ पर कटर से काटा था, बस कुछ ही सेकेंड में हमने इसको काटा है। और चलो हम इसको फूक के देखते हैं कि ये बचता है या नहीं। ओके, तो चलो गाइस इसको फूकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, ये काफी अच्छे तरीके से बज रहा है। गाइस, ये भोपू आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के। तो गाइस, हम आपसे फिर मिलते हैं ऐसे ही एक मजेदार वीडियो पे। तब तक के गाइस, बाय बाय, पीस आउट।